प्रीतो तू विश्वास नहीं करेगी, कल की शाम कितनी शानदार थी और रणवीर ने कितना बढ़िया अरेंजमेंट किया था। वो फिल्मों में होता ना जो हीरो हीरोइन के लिए करते हैं, बिल्कुल वैसी। सही है गुंजन, उठा ले जितने मजे उठा सकती है। एक बार बच्चा हो जाए ना तो सब भूल जाए। एक तो पति का प्यार बढ़ जाता है और ऊपर से इतनी सारी जिम्मेदारियां। वैलेंटाइंस डे के दिन गुलाबों की खुशबू तो भूल ही जा, बच्चों की पोटी साफ करते करते दिन बीत जाएगा। प्रीतो चल मैं रखती हूँ, से कल बात करती हूँ, ठीक है? चल बाय। प्यार केवल वैलेंटाइंस डे का मोहताज नहीं, तुम्हें चाहता रहूंगा आज भी कल भी और जिंदगी भर। कितनी सोनी ड्रेस है, अभी ट्राई करती हूँ। स्मॉल साइज की ड्रेस तो मैंने ठीक से फिट ही नहीं हो रही। चाई जी, गुंजन घर आ गई। रणवीर को पता नहीं चलना चाहिए कि ये ड्रेस मैंने फिट नहीं हो रही है। गुंजन, गुंजन कहाँ गई? पहन के देखी ड्रेस? हाँ। तो फिर चेंज क्यों कर ली? दिखानी थी ना पहन के। दिखाऊंगी ना जब हम चंडीगढ़ जाएंगे ना, तब पहनूंगी मैं ये ड्रेस और इसके साथ मैचिंग चीजें भी खरीदूंगी तो और भी अच्छी लगेगी। अच्छा तनु साइज तो फिट आ गया ना। जब मैं दुकान पे गया ना लेने तो दुकानदार बत्ती पैती किए जा रहा था। मैंने बोला कि मैनू ऐसा कुछ समझ नहीं आने वाला, मेरी बीवी तो इतनी पतली सी है, वो स्मॉल साइज ही दे दे। एकदम फिट आया है। चल अच्छा। इस बार मैंने अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है, अगर मैंने और देर कर दी तो पेट दिखने लगेगा। तक नहीं आई है, एक बज गए हैं। यहां पर भी नहीं है। वीरा, वीरा! क्या सच में वो मुझसे इतनी नफरत करता है? उसके दिल में से मेरे लिए प्यार पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, तो फिर मैं क्या कोशिशें कर रही हूँ और क्यों क्यों इस घर में रुकी हुई हूँ, क्यों इतना अपमान सह रही हूँ?
आखिर वुमेन वो अपनी जिंदगी से निकालने की ठान ही चुका है, सोच ही चुका है कि दोबारा मेरी सूरत नहीं देखना चाहता, तो एक महीने यहाँ रुक कर मैं क्या कर लूंगी। क्या हो रहा है? एक बजे तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर जाके सो जा। चल। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं सोऊं या मैं ना सोऊं? कल भी तो मैं घर के बाहर ही थी ना, तब तो तेनू कोई फर्क नहीं पड़ा। कल तू पॉली हाउस के अंदर थी, आज घर के बाहर है, ठंडी बहुत है। चल चल जा। देव ठंड तो उस रात भी बहुत थी, तूने मैनु हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला था। सारी रात ठठुरती हुई मैं वहां पर सो रही थी, तो तेनु कोई फर्क नहीं पड़ा ना। वो हमारे ब्याह वाली रात थी बलदेव। देख, तू मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तेनु बुखार हो गया, तू बीमार पड़ गई, कौन तेरी देखभाल करेगा है? तू मुझसे सेवा करवाना चाहती है? नहीं बलदेव, नहीं, तुझसे कुछ नहीं चाहती। मैं वाकई तुझसे कोई उम्मीद नहीं बांधना चाहती, कोई भी नहीं। नाटक खत्म हो गया तेरा? सीधे सीधे अंदर चल रही है या? क्या? देव, देव क्या कर रहे हो? देव छोड़ मैं ना बलदेव। बलदेव क्या कर रहे हैं? बलदेव कुछ देख ले, बलदेव तार में ना नीचे कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या कर रहा है बलदेव? छट मैं बलदेव। अरे देव मन मन अंदर ओए ओए चुप बलदेव। लेकिन मेरी चुप हो जा रहा गाना। हाथ पैर ठंडे हुए पड़े हैं, आवाज कांप रही है, ऐसे शरीर ठिठुर रहा है, फिर भी चांसी गिराने मनने चली है, ऊपर से भैंस और करी है मेरे नाल। लेकिन मैं बिस्तर छोड़ के जमीन पे उतरने की कोशिश भी की ना, एक दूंगा उल्टे हाथ का। बीजी सही कह रही थी, सबने ना सिर पे चढ़ा रखा है तेनू, इसे इतनी भैंस करती है, अगला बहरा हो जाए फिर भी दलीलें देते रहना। सबसे ज्यादा तो तूने सिर पे चढ़ा रखा है बलदेव। मुझसे प्यार करता है बलदेव, दिल में मेरे वास्ते नफरत नहीं, बस नाराजगी है जिसे मैं दूर करके रहूंगी। बलदेव, तेरे वास्ते दूध। तुमने नहाएगी क्या उसे? रख दे वहीं। बस किसी भी बात का सीधा मुझे जवाब मत देना तू, है ना? अब दूध पिएगा या फिर ठंडे होने का इंतजार करेगा? बर्फ डाल दूं? याद है कल क्या है? कुछ याद करने लायक है तो तू बता दे, सवाल क्यों पूछ रही है? तेरी बीजी और पापा जी की शादी की सालगिरह है। तो अरे तेनू याद नहीं पिछले साल हमने कितने अच्छे से मनाया था?
पापा जी भी कितने खुश हुए थे ना, मैं तो सोच रही हूँ कि इस बार भी कुछ करना चाहिए, है ना? पिछले साल हमने बहुत कुछ किया था, जरूरी नहीं है वो सब इस साल भी हो। बलदेव, मैंने वो सब कुछ नहीं पता, मैंने तो सिर्फ इतना याद है कि पापा जी को बहुत खुशी हुई थी। बाय गॉड, इस कल की चर्चा कितने दिन की थी उन्होंने। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें वो खुशी वापस दे। कुछ कुछ बहुत अच्छा करना चाहिए जिससे उनको अच्छा लगे। और वैसे भी बलदेव, हमारा तो ये आखिरी फंक्शन होगा ना साथ साथ मनाने वाला। पास वे फंक्शन करवाने का टाइम नहीं है, समझी तू? ओए, लेकिन बात तेरी बीजी और पापा जी की है, तू ऐसे कैसे? इससे क्या फर्क पड़ता है, हैं? वैसे भी जानती है ना, बीजी तनु पसंद नहीं करती। तो फिर क्यों है अभी पैर अड़ाने जा रही है तू पटे में? बनती नहीं है बीजी से तेरी। क्यों नहीं बनती है मेरी तेरी बीजी से? ठीक है, इसका ये मतलब थोड़ी ना आगे कभी नहीं बनेगी। वैसे भी मैं क्यों रिश्ते को सुधारने की कोशिश बंद कर दूं? जो मन में आए वो कर, मुझ पे कोई काम मत छोड़ना। पिछले साल जो मैंने किया था मैं इस बार नहीं करने वाला। अकड़ ले खड़ूस, मैं भी देखती हूँ कब तक नाराज रहता है। बाय गॉड, ऐसी पार्टी करूंगी ना कि तू भी भंगड़ा पाएगा। सच हाय वीरा। कुंजन भाभी, आपको याद है कल क्या है? कल अरे हाँ, कल तो बीजी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। ये देखो, आपको याद है। और एक खैर छोड़। वैसे कुंजन भाभी, मैंने ना कल एक सरप्राइज पार्टी रखी है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जरूर आए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हाँ, लेकिन आप ना थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा। वीरा, मैं तो शाम के बाद ही आ पाऊंगी, मैनू ना कल बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं नहीं, भला ऐसा क्या जरूरी काम है? आपकी बीजी और पापा जी की शादी की सालगिरह, आपको तो आना ही होगा। मैंने ना उनके सारे खास खास दोस्तों को बुलाया, आप खुद ही सोचिए इतना सारा काम होगा, मैं अकेले कैसे मैनेज कर पाऊंगी? नहीं, मैनू आपकी जरूरत है। देखिए, अगर आपने ना कहा ना तो बाय गॉड मैं तो रोने लग जाऊंगी। ठीक है, आ जाऊंगी जल्दी। ठीक है। अच्छा भाभी, मैनू ना शेफ का भी नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, वो जिसको आपने बुलाया था अपनी पार्टी में। हाँ, करती हूँ। ठीक है, अब फोन रखती हूँ, ढेर सारे कॉल करने। ओके, बाय। लगता है कल की अपॉइंटमेंट भी मैनू कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ जी, मैंने आपका नंबर गुंजन सिंह ने ही दिया, दरअसल वो मेरी भाभी है। हाँ जी, पिछली बारी आपने मेरे मायके में किया था ना केटरिंग, तो इस बार आपको ससुराल में करना है। जी हाँ, मैं मेन्यू आपको आपको आज शायद शाम तक दे दूंगी। ठीक है, चंगा, थैंक यू। तू सारा दिन ये फूल जाता रहेगा, उधर जाके भी सफाई कर, चल। हाँ, नागपाल डेकोरेटर्स। जी हाँ, मैं वीरा सिंह बात कर रही हूँ, दरअसल डेकोरेशन के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ जी, हमारे घर में ना एक बहुत बड़ी पार्टी रखनी है जिसका थीम बहुत ही ठेठ पंजाबी होना चाहिए, कुछ भी मॉडर्न नहीं। ऐसा लगना चाहिए जैसे कि 27 साल पुराने वाले प्रीतमपुर आ गए हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। पार्टी हमारे नीचे वाले हॉल में होगी, बहुत ही बड़ा एरिया। ये हमारे घर में पार्टी करने वाली है, किस खुशी में? हाँ हाँ, उन सारी बातों की फिक्र मत कीजिए, आप बस कोटेशन मेनू मैसेज तो कर दीजिए। हाँ जी, थैंक्स। क्या बाकी? बेकरी।
दिमाग तो नहीं खराब हो गया कुड़ी का? इतना कुछ हो जाने के बाद भी इसको पार्टी सूझ रही है? अरे खुशी मनाने का बहाना क्या इसकी जिंदगी में? हेलो, हाँ वीरा सिंह बात कर रही हूँ। हाँ वो केक का ऑर्डर देना था। हाँ जी, केक ना 5 pounds का होना चाहिए, एगलेस। हाँ और उसके ऊपर ना बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, पीजी और पापा जी को शादी की सालगिरह मुबारक। ठीक है? हाँ जी ठीक है, थैंक यू। वीरा हमारी शादी की सालगिरह मनाना चाहती है, कोई इतनी धूमधाम से? वीरा जो तू करने जा रही है ना, सब समझ आ रहा है मैंने। तू सोच रही होगी कि ये सब करके तो बलदेव का दिल जीत लेगी और फिर 3 हफ्ते बाद बलदेव अपना मन बदल लेगा और तेनु तलाक नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तू सियानी है ना, तो मैं भी दुगनी सियानी हूँ। तेरी ये चाल तो कामयाब होने नहीं दूंगी मैं। ऐसी हरकतें करवाऊंगी ना तुझसे कि तलाक के बाद लोग खुद ही कहेंगे कि ऐसी पत्नी से तलाक ही लिया अच्छा है। देखती जा। हर वक्त कुछ ना कुछ खराबी करती रहती है तू। ये देख, मैंने ना हर काम की लिस्ट बनाई है, कुछ है तो नहीं किया। ऐसे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रह गया, पर मैं ना सोच रही थी कि मैंने बता दिया था तेनू कि मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। मैनू ना वो चाहिए था। क्या खेल रहा है बलदेव बीच में हाथ डाल रहा है? वैसे तेनु पता है आज की पार्टी में ना खाने के सारे इंतजाम में मैंने सब कुछ बीजी और पापा जी की पसंद का रखा है। हाँ हाँ वही वही वही, एक सेकंड। तेनु क्या लगता है सबको मजा आएगा? नहीं कर सकती। टाइप करूंगी इंटरनेट पे, कोई और छोड़ तो समझ ही नहीं आ रहा। हे मेरे रब्बा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, समझ नहीं आ रहा। इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं। हां मिल गई खुशी तेरे तबीयत को, हैं? मिल गया अली बाबा का खजाना। अब बस तू अपनी ये पक पक बंद कर दे। देव ना चाहते हुए भी तूने मेरी मदद कर दी। अब तू देखना, तेनु पता भी नहीं चलेगा और मैं तेरा प्यार वापस पा लूंगी। पापा जी, वो दरअसल मैं ना गुरुद्वारे गई थी पापा जी से आप दोनों के लिए दुआ मांगने वास्ते, ये कहने कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा बस ऐसी सही सलामत है, हमेशा खुश रहे आप। ये प्रसाद लीजिए। जी, सालगिरह की ढेर सारी मुबारक। जिंदा रहे मेरा बच्चा, जिंदा रहे। और तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, रब करे तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। सालगिरह मुबारक खुदाई जी। पीजी? हाँ ठीक है। बाबू जी एक मिनट।
आप दोनों के वास्ते। है क्या पुत्र? पापा जी, पीजी, आप लोगों ने बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी ना, ये उसी की टिकट है। आज आप लोग 3 से 6 के शो में जाएंगे और उसके पहले जो हाईवे पर रेस्टोरेंट है ना, वहां पर लंच करेंगे। मैंने टेबल बुक कर दिया, आज आप दोनों डेट पर जाएंगे। अच्छा किया ना पुत्र, अब इस उम्र में हम कहाँ डेट शेट पे जाएंगे। बलवंत जी, कौन सी उम्र की बात कर रहे हो? जो पहली फिल्म देखी थी ना हमने शादी के बाद, उसका हीरो अभी भी हीरो बन के आ रहा है फिल्मों में, और आप कह रहे हो उम्र नहीं रही। आपकी नहीं रही होगी, मेरी तो है। हम तो जरूर जाएंगे जी फिल्म देखने और उसके बाद खाना खाने। बड़ा चंगा कीता तू। मैं खुश हूँ कि आप दोनों को खुशी दे पाई। जब आप लौट के आएंगे और सरप्राइज पार्टी देखेंगे तो और भी खुश हो जाएंगे। खूब तैयारी करना शाम की पार्टी के लिए, सब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जितने मेहमान तू बुला रही है ना, सबके सामने तेरी ऐसी बेइज्जती होने वाली है ना कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।